अगर आप गूगल पे यूज करते हैं और उसका आप यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो किस तरह पता करेंगे, आज का इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो गूगल पे एक फेमस यूपीआई ऐप है जो सभी कोई यूज करता है। मान लीजिए बाय चांस बाय मिस्टेक आप उसका यूपीआई पिन भूल चुके हैं तो उसे रिकवर करना बहुत आसान है। किस तरह रिकवर करेंगे आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से गूगल पे में यूपीआई पिन को चेंज किया जाता है। तो गूगल पे को जब आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, इसे आप अनलॉक कर ले, तब फिंगरप्रिंट या फिर पिन यहाँ पे डाल के अनलॉक कर ले। इस तरह से आप पासवर्ड को अनलॉक कर ले। अनलॉक करने के बाद आपका गूगल पे यहाँ पे देखे ओपन हो चुका है। अब ऊपर देखे आपको यहाँ पे लोगो नाम यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखे एक ऑप्शन है बैंक अकाउंट का, यहाँ देख रहे हैं बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट दिखाई देगा, बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है। तो बैंक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखे लिखा हुआ फॉरगेट यूपीआई पिन, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखे बोल रहा है इंटर कार्ड डिटेल, जो आपके कार्ड का आखिरी 6 डिजिट है वो यहाँ पे आपको डालना है। तो चलिए यहाँ पे डाल लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने ATM कार्ड का आखिरी 6 डिजिट यहाँ पे डाल ले। अब नीचे आता है एक्सपायरी डेट, कार्ड में आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट डाल लेना है। और नीचे यहाँ पे देखें नेक्स्ट का बटन है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP आएगा और वो OTP को आपको डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे OTP आ चुका है। अब यहाँ से आपको ओके करना है। अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर 4-डिजिट ATM पिन, आपको ATM पिन यहाँ पे डालना है, फिर नेक्स्ट करना है यानी ओके करना है। अब यहाँ पर बोल रहा है सेट 4-डिजिट UPI पिन, अब यहाँ पे आपको नया UPI पिन डालना है। तो जो भी आप UPI पिन डालना चाहते हैं यहाँ पे इस तरह से डाल के UPI पिन डालने के बाद यहाँ से ओके कर दे। अब बोल रहा है दोबारा से आपको UPI पिन डालना है, तो दोबारा से कंफर्म कर ले इस तरह से। और कंफर्म करने के बाद जैसे यहाँ पे ओके करेंगे आपका जो UPI पिन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा।